नमस्कार, आप देख रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। देश में आतंकवाद और नक्सलवाद अपने अंतिम दौर में है। केंद्रीय गृह मंत्री का ऑपरेशन ऑल आउट सफलता के करीब है। आतंकी और नक्सली गृह मंत्री के प्लान में फंस चुके हैं। सीआरपीएफ डे पर शाह ने कहा था कि जिस संकल्प के साथ सीआरपीएफ कश्मीर, नक्सल क्षेत्रों और पूर्वोत्तर में काम कर रहा है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि अगले कुछ वर्षों में तीनों ही क्षेत्रों में हमें सीआरपीएफ की आवश्यकता नहीं रहेगी। अगर ऐसा होता है तो इसका पूरा श्रेय सीआरपीएफ को ही जाता है। आतंकियों और नक्सलियों पर आखिरी जोरदार वार की तैयारी चल रही है। आपको बताते चलें कि केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा सीआरपीएफ डे पर कही गई बात के कई अर्थ निकाले जा रहे थे। आखिर सीआरपीएफ को ऐसे जोखिम वाले क्षेत्रों से हटाने की बात क्यों हो रही थी? कश्मीर और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में काम करने का खासा अनुभव रखने वाले केंद्रीय सुरक्षा बल के एक आईजी गृह मंत्री की बात को बिल्कुल सही बताते हैं। आने वाले कुछ वर्षों में आतंकवाद और नक्सलवाद, इन दोनों को पूरी तरह खत्म किया जा सकता है। इनके लिए ऑल आउट प्लान चल रहा है। इसमें केवल मुठभेड़ या आईईडी विस्फोट जैसा कुछ शामिल नहीं है, बल्कि यह एक चौतरफा वार है। इसमें एनकाउंटर के अलावा विकास की गतिविधियों को भी शामिल किया गया है। लोगों से सीधी बात हो रही है, उन्हें समझ भी आ रहा है कि अब बहुत हो चुका है। बच्चों के लिए स्कूल, दवाई और कमाई, वे ऐसे मुद्दे पर ज्यादा गौर कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर, उत्तर पूर्व और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन ऑल आउट शुरू किया है। आतंकियों और नक्सलियों पर नकेल कसी जा रही है। इन सभी क्षेत्रों में केंद्रीय एजेंसियों एवं सुरक्षा बल एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। दहशतगर्दों को मदद पहुंचाने वालों पर कड़ा प्रहार किया गया है। अंडरग्राउंड और ओवरग्राउंड वर्कर खत्म हो रहे हैं। सुरक्षा बलों को अत्याधुनिक हथियार, उपकरण, ठोस इंटेलिजेंस और किले बंद पुलिस स्टेशनों का निर्माण आदि सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री नित्यानंद राय के अनुसार ऑपरेशन के दौरान विशेष बलों एवं विशेष आसूचना शाखाओं SIB की मजबूती के लिए 371 करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू की गई हैं। 620 करोड़ रुपए की लागत से 250 किलेबंद पुलिस स्टेशनों को मंजूरी प्रदान की गई है। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी परियोजना के तहत 10,300 किलोमीटर क्षेत्र में सड़कों का निर्माण किया गया है। और आइए अब जानते हैं कि किस चीज से नक्सली हो रहे हैं परेशान। आपको बता दें कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पहले मोबाइल कनेक्टिविटी बहुत कम थी। अगर सरकार मोबाइल टावर खड़ा करती तो नक्सलियों द्वारा उसे क्षतिग्रस्त कर दिया जाता था। इसके बाद सीआरपीएफ ने टावर की सुरक्षा कमान संभाली। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पहले चरण के तहत 2,243 मोबाइल टावर खड़े किए गए हैं। लोकल लोगों ने मोबाइल कनेक्टिविटी का फायदा उठाना शुरू किया है। सुरक्षा बलों को भी खुफिया जानकारी जुटाने में मदद मिलने लगी है। दूसरे चरण के अंतर्गत 2,542 टावर मंजूर किए गए हैं। 47 ITI और 68 कौशल विकास केंद्रों को स्वीकृति प्रदान की गई है। पिछले वर्षों में 1,236 नई बैंक शाखाएं खोली गई हैं। 1,077 ATM और 14,230 बैंकिंग करेस्पोंडेंट का प्रावधान किया गया है। साथ ही 4,903 डाकघर अनुमोदित किए गए हैं। इनमें से 3,053 डाकघर शुरू हो चुके हैं। फ्लैगशिप स्कीमों पर खासा ध्यान दिया जा रहा है। आपको आगे बताते चलें कि वामपंथी उग्रवाद की घटनाओं में कितनी गिरावट आई है। जी हाँ, आपको बताते चलें कि गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री नित्यानंद राय के मुताबिक वामपंथी उग्रवाद की घटनाओं में अब 77% की गिरावट दर्ज की गई है। 2009 में 2,258 घटनाएं हुई थी। साल 2021 में इनकी संख्या 509 रह गई। इन घटनाओं में आम लोगों और सुरक्षा बलों को मिलाकर देखें तो इनके मारे जाने की संख्या में 85% की कमी हुई है। साल 2010 में ऐसी मौतों की तादाद 1,005 थी। पिछले साल यह आंकड़ा 147 रह गया था। गत वर्ष 126 वामपंथी उग्रवादी मारे गए हैं। 50 सुरक्षा कर्मी शहीद हो गए हैं। 97 आम लोगों की जान चली गई। वामपंथी उग्रवाद से सर्वाधिक प्रभावित जिलों के रूप में वर्गीकृत इलाके अब 25 ही बचे हैं। 2018 में इनकी संख्या 35 से 30 पर पहुंच गई है। ऐसे में नक्सली और आतंकी अब अपने अंतिम दौर में हैं।
और आइए जानते हैं कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद कितने मारे गए आतंकवादी। आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद 439 आतंकवादी मारे गए हैं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का कहना है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद से यानी 5 अगस्त 2019 से 26 जनवरी 2022 तक 541 आतंकी घटनाएं हुई हैं, जबकि 439 आतंकवादी मारे गए। इनमें 98 नागरिकों की मौत हो गई। इसके अलावा 109 सुरक्षा कर्मी शहीद हुए हैं। गृह राज्य मंत्री का कहना था कि इन घटनाओं के दौरान किसी भी महत्वपूर्ण सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा है। लगभग 5,03,00,000 रुपए की निजी संपत्ति के नुकसान का आकलन किया गया है। तो आपको क्या लगता है, क्या यह ऑपरेशन ऐसे ही सफल होगा या कुछ बाधाएं आएंगी? कैसी लग रही है आपको ये पूरी प्रक्रिया, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।